ரமோலுவேஷௌத்ரிகாரவர்த்தி அர்ஹந்தானம் ரமோலுவேஷௌத்ரிகாரவர்த்தி சிதானம் ரமோலுவேஷௌத்ரிகாரவர்த்தி ஆயிரியானம் ரமோலுவேஷௌத்ரிகாரவர்த்தி உவச்சயனம் ரமோலுவேஷௌத்ரிகாரவர்த்தி சவசாவணம் ஓம்காரவிந்து சம்யுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினா காமதம் மோக்ஷதம் சைவ ஓம்காராய நமோ நமஃ. மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்துந்தாரியோ ஜெயந்தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வமங்கள் மாங்கல்யம் சர்வகல்யாணகாரகம் பிரதானம் சர்வதர்மானம் ஜெயினம் ஜெயது சாசனம். நம சமயசாராய ஸ்வானுபூத்திய சகாசதே சித்ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வபாவாந்தரச்சிதே ஏகோ மே சாசதோபாக்னான் தர்ஷன் லக்கணோ சேஷா மே பாயிரா பாவா சவ்வே சயோக லக்கணா. மாரோ சுசாஸ்வத ஏக் தர்ஷன் ஜான் லக்ஷண ஜீவ் சே பாக்கி பதா சயோக லக்ஷண பாவ முதி பாய சே துஸ்தாப நிஜனே மோக்ஷ பந்தே தியானுபவ தேஹனே தேமாஜ நித்ய விஹார் கர் நஹி விஹர் பத்ரவியோ விசே. ஓம் ஸ்ரீ நம ஸ்ரீ தேவிய நம ஸ்ரீ தேவ நம ஸ்ரீ தேவ. ஆச்சாரிய தேவ் ஸ்ரீ குந்த்குந்த் பகவான் துவாரா ரச்சித் இஸ் சமயசார பரமாகம் கி ஜீவ் நாம் கே அதிகார் கி சௌத்ரி காதா பர் அப்னி சர்ச்சா சல் ரஹி ஹை. சௌத்ரி காதா மே அப்னா ஜோ சைத்தன்ய பரமாத்ம ஸ்வரூப் ஹை வோ கேசா ஹை உஸ்கி சித்தி பாஞ்ச் போல் சே கர்த்தே ஹை. பாஞ்ச் பாவ ஸ்வரூப் அப்னா ஏக் சைத்தன்ய பரமாத்மா ஹை வோ பாஞ்ச் விசேஷண கே த்வாரா அப்னா க்னாயக் பாவ கோ சித்த கர் ரஹே ஹை. த்ரவ்ய ஓர் பர்யாய கே பேத க்னான் கி உத்க்ருஷ்ட பராகாஷ்டா வாலி யே சௌத்ரி காதா ஹை. जो गाथा में अमृत चंद्र आचार्य का अमृत बह रहा है ऐसी अमृत चंद्र आचार्य की अमृतमय टीका है. अमृत किसे कहते हैं कि जो किसी को कभी मारे भी नहीं और ना किसी से कभी मरे उसको अमृत कहा जाता है. ऐसी अमृत चंद्र आचार्य देव की ये अमृतमय टीका है कि इसके कोई भी शब्द आप पढ़ लो जैसे आपको अमृत जलता हुआ दिखे. ऐसी कोई महत्वपूर्ण गाथा ये 14 नंबर की गाथा है. इसमें आचार्य भगवान ने अबद्ध स्पष्ट आदि पांच भाव और उसके सामने बद्ध स्पष्ट आदि पांच भाव, एक द्रव्य रूप पांच भाव और एक पर्याय रूप पांच भाव की चर्चा यहाँ पे आचार्य भगवान ने की है. एक एक बद स्पष्ट आदि एक एक बोल के सामने एक एक अबद स्पष्ट आदि के बोल रखे हुए हैं कि कौन सा भाव भूतार्थ है और कौन सा भाव भूतार्थ है. वो चर्चा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान ने की है. उसको अपन आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले पैराग्राफ में आचार्य भगवान ने कहा कि निश्चय से तेरा आत्मा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की जो अनुभूति है उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है. शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो, आत्मा कहो, सब एक ही है और उसमें सब में एक आत्मा ही प्रकाशमान है. चाहे अनुभूति से कहो तो भी आत्मा प्रकाशमान, शुद्ध नहीं से कहो तो भी आत्मा प्रकाशमान, आत्मा को आत्मा कहो तो भी आत्मा प्रकाशमान. माने कि एक आत्मा ही दिखे और कुछ न दिखे उसको अनुभूति कही जाती है. ऐसी यहाँ जो आचार्य भगवान ने पहले पैराग्राफ में जो बात कही है, फिर उसने शिष्य ने प्रश्न किया कि भाई आप तो ऐसे आत्मा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त कह रहे हो, ऐसे आत्मा की अनुभूति मुझे कैसे होए. तो आचार्य भगवान ने फरमाया
कि जो बद स्पष्ट आदि पांच भाव है, जो समयवर्ती भाव है, क्षणिक भाव है, नाशवान भाव है, पर्यायगत भाव है, जो तेरा भाव नहीं है उसको तू अभूतार्थ मान ले तो तेरा भूतार्थ स्वभाव तेरी दृष्टि में आ जाएगा, क्योंकि वो एक समय रहने वाला है, कायम रहने वाली वो चीज नहीं है। कायम रहने वाली चीज जो नहीं होती वो मेरी नहीं होती, जो फिरने वाली चीज होती है, प्रति समय फिरती रहती है, एक के बाद एक होती है, नाशवान होती है, उत्पाद रूप होती है, व्यय हो जाती है, वो चीज सचमुच मेरी नहीं होती। इसलिए वो एक समय का भाव है बद स्पष्ट आदि भाव, वो कायम टिकता हुआ भाव नहीं है, इसलिए वो तेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे तू उसको अभूतार्थ जान ले, तू उसका अभाव मत जान ले, उसको अभूतार्थ जान ले। वो सत्ता उसमें बराबर है, मगर तेरे स्वभाव को तू भूतार्थ स्वभाव को, कायमी स्वभाव को, एक रूप स्वभाव को, अभेद स्वभाव को, नित्य स्वभाव को, अविनाशी स्वभाव को, उसको तू देखेगा, तेरी नजर उधर जाएगी, तो तेरे लिए ये बस स्पष्ट आदि भाव है वो अभूतार्थ हो गए। वो उसकी सत्ता में भले हो, उससे तेरे को कोई नुकसान नहीं है। तेरी दृष्टि और तेरा ज्ञान भूतार्थ स्वभाव पर चला गया तो बद स्पष्ट आदि भाव सब अभूतार्थ तेरे लिए हो गए है। ऐसा यहाँ कह के शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो, ये प्रथम में प्रथम मनुष्य में, मनुष्य गति में जो जीव आया है उसका प्रथम में प्रथम कर्तव्य है। तो पहले में पहले अपने शुद्धात्मा को जानकर अपनी अनुभूति प्रकट करना वो उसका कार्य होता है, और अनुभूति अपने परमात्म स्वरूप में, अपने नायक भाव में, अपने अभेद स्वभाव में अहम किए बिना नहीं होती। इसलिए मूल में तो अपने अवध अभेद स्वभाव को जानना, जो अपना स्वभाव चैतन्यमय स्वभाव अनादि अनंत है, एक रूप है, वो टिकता हुआ स्वभाव है, वो अविनाशी स्वभाव है, वो कभी नाश नहीं होता, जब भी देखो तब वो स्वभाव मौजूद है। ऐसा स्वभाव को जान के ही उसको अनुभूति उदित हो जाती है। तो आचार्य भगवान यहाँ पे अभी पांच बोल क्रम से लेंगे। ये बद स्पष्ट आदि भाव के पांच बोल है, वो एक समय में पांचों बोल चले जाते हैं, और अवध स्पष्ट आदि पांचों बोल है वो एक समय में प्रकट हो जाते हैं। जब वो बद स्पष्ट आदि भाव को अभूतार्थ जान लेता है तब अवध स्पष्ट आदि भाव है वो आत्मा की अनुभूति जब होती है तो वो एक साथ में अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त बना एक रूप होकर प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्रम दिया है तो क्रम से होता है कि पहले बद स्पष्ट भाव जाएगा, फिर उसमें अन्य अन्य भाव जाएगा, फिर अनियत भाव जाएगा, फिर विशेष भाव जाएगा, फिर संयुक्त भाव जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आत्मा के ऊपर उसकी दृष्टि जमी, जैसे उसकी प्रीति पूर्वक प्रतीति उसको हुई, उसी समय पांचों भाव बद स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त प्रकट एक रूप होके हो जाता है, और बद स्पष्ट आदि पांचों भाव उसके लिए अभूतार्थ हो जाता है। अभूतार्थ माने कि उसके लिए तो वो है ही नहीं, है सही मगर उसके लिए वो नहीं है, उसको अभूतार्थ बोला जाता है। ऐसी कोई महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे आचार्य भगवान ने उठाई है। अपन पहला बोल तो अपना चला था कि जैसे कमलिनी का पत्र वाला पहला बोल है कि कमलिनी का पत्र जल में डूबा हुआ देखने पर भी वो जल को स्पर्शित हुआ देखो तो वो जल से देखो तो जल को स्पर्शित हुआ दिखता है, तो वो तो भूतार्थ है, मगर अपना कमलिनी का जो स्वभाव है उसकी स्वभाव की समीप जाके आप देखो, स्वभाव की समीप जान के देखना, उसका मतलब ये है कि वो स्वभाव की समीप जाता है तो उसको ऐसा भासित होता है कि जल को जरा भी स्पर्शित नहीं हुआ हो। सब में बोल में जरा भी सब बोल में आएगा पांचों बोल में कि वो जल को कमलिनी का पत्र जरा भी स्पर्श नहीं हुआ,
बिल्कुल स्पर्श नहीं हुआ। अभी दिखता है ऐसा कि पानी में कमलिनी का पत्र है, पानी में कमलिनी का पत्र देखने पर भी वो पानी को स्पर्श ही नहीं करता, वो उससे अछूता ही रह जाता है। ऐसे ही अपना आत्म स्वभाव, अपना त्रिकाल चैतन्य स्वभाव, अपना नायक भाव, अपना अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा बुद्धि, उसको कभी कर्म के साथ संबंध हुआ ही नहीं। कर्म के साथ संबंध नहीं हुआ, राग के साथ संबंध नहीं हुआ, एक समय की बद स्पष्ट आदि पर्याय है उसके साथ संबंध नहीं हुआ, वो पर्याय में बद स्पष्ट आदि भाव चल रहे उसके साथ तो संबंध नहीं हुआ, मगर त्रिकाली द्रव्य को उसकी जो शुद्ध पर्याय है उससे साथ त्रिकाली द्रव्य को संबंध नहीं होता, पर्याय उससे संबंध करती है मगर त्रिकाली द्रव्य तो ऐसा नैसा विद्यमान रहता है, वो नित्य स्थिर रहता है, एक रूप रहता है, अनादि अनंत ऐसा नैसा रहता है, ऐसा मेरा स्वभाव है। देखो द्रव्य में बस स्पष्ट आदि भाव तो माने की नहीं है, कर्म की सत्ता तो होती नहीं, अन्य अन्य गति भी होती नहीं, हानि वृद्धि रूप परिणमन नहीं होता, विशेषता नहीं होती, संयुक्त पना नहीं होता, वो तो होता ही नहीं, माने की पर्याय में होने वाली विशेषता एक तरफ बताई है द्रव्य की पांच मूल से विशेषता, एक तरफ बताई है पर्याय की विशेषता, वो विशेषता है वो पर्याय नहीं है, समझना, वो पर्याय नहीं है, वो पर्याय का विशेष भाव है, पर्याय की विशेषता बता रहे हैं, वो पर्याय की विशेषता तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं नहीं होती है विशेषता, इसलिए वो तो नहीं है, अभी वो तो नहीं है, मगर पर्याय का स्वभाव उत्पाद भी है, वो भी सचमुच त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, फिर कोई गति का परिणमन, कोई हानि वृद्धि रूप परिणमन, कोई विशेष परिणमन, कोई संयुक्त रूप भाव, वो तो उसमें है ही नहीं, उत्पाद भी उसमें नहीं है, गुण भेद भी उसमें नहीं है। और यहां क्या कहना चाहते हैं कि हम द्रव्य की भी आपको जो विशेषता बता रहे हैं ना, हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, तो वो पांचों भी द्रव्य के विशेषण है, वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो एक रूप नायक भाव है, वो तो ज्ञानमय तत्व है, ज्ञान का पुंज है, अभी आया ना ज्ञान का पुंज 92 कलश में, ज्ञान का पुंज है, चित स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, वो ज्ञान का पुंज है। ये उपमा विशेषण द्रव्य को भी क्यों दिया जाता है कि सामने जो भाव है बद स्पष्ट आदि भाव, उसको अभूतार्थ कहने के लिए यहां ये पांच विशेषण से अपना त्रिकाली द्रव्य को बता रहे हैं। वो विशेषण द्रव्य के होने पर भी वो द्रव्य नहीं है, ऐसा मेरा द्रव्य है, ऐसा मेरा दृष्टि का विषय है, ऐसा मेरा शुद्ध स्वभावी परमात्मा है, ऐसा मेरा अखंड आत्मा है, ऐसी मेरी त्रिकालता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा यहां बता रहे हैं। ये निषेध बद स्पष्ट आदि भाव का करने के लिए वो अस्थि में विशेषण रूप पांच बोल लिए है, वहां पे ऐसा आत्मा भी नहीं है, आत्मा तो एक रूप ज्ञान घनपिंड है, आत्मा नायक भाव है, भूतार स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, अभेद स्वभाव है, वो विशेषण आप बताओ ने एक के बाद एक, तो वो विशेषण भी ज्ञायक की उपाधि में चले जाते हैं, वो ज्ञायक नहीं है, वो ऐसा मेरा ज्ञायक परमात्मा है, ऐसा मेरा चैतन्य परमात्मा है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। वो निषेध के लिए विधि बताई जाती है हमेशा, है विधि में किसी को आना होने तो वो निषेध बता के विधि में आता है, मगर जो पांच भाव बताए वो विधि में आया, मगर वो पांच भाव आपका नहीं है, पांच भाव स्वरूप एक अखंड परमात्मा है, एक नायक भाव है, एक ध्रुव भाव है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कमलिनी का पत्र का दृष्टांत देके देखो, अनादि काल से बंधा हुआ आत्मा को पुद्गल कर्म से बंधा हुआ स्पर्शावारूप अवस्था से अनुभव करने पर बद स्पष्टपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है,
अगर बंध की अपेक्षा से देखो, अनादि से कर्म का बंध चला रहा है, आत्मा उसके साथ साथ रहता है, उसमें नहीं रहता, या तो कर्म उसमें नहीं रहता, आत्मा उसमें नहीं रहता, मगर दोनों की पर्याय के निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसी व्यवहार की अपेक्षा कह के ऐसी बात कहने में आती है। ये एक क्षेत्राव का संबंध बताते हैं। कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा में तीन संबंध बताया आचार्य भगवान ने, तीन प्रकार के संबंध। एक बताया नित्य तादात्म्य संबंध, एक बताया संयोग सिद्ध संबंध, एक बताया एक क्षेत्राव का संबंध। ये तीन संबंध उसमें बताए, उसमें लिखा उसने कि ज्ञान के साथ तो नित्य तादात्म्य संबंध है, राग के साथ संयोग सिद्ध संबंध है, और कर्मों के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। ये संबंध है उसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई संबंध नहीं है आत्मा को, संयोग संबंध माने संबंध नहीं, एक क्षेत्र का संबंध माने संबंध नहीं, उसी को संबंध बता के उसका निषेध कराते हैं। नित्य साथ नित्य तादात्म्य संबंध कभी छूटता नहीं, वो तो ज्ञान के साथ रहता है नित्य तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध राग के साथ तो वो संबंध है ही नहीं, एक क्षेत्र का संबंध कर्मों के साथ संबंध है ही नहीं, संबंध नहीं है वो बताने के लिए एक क्षेत्र का और संयोग संबंध डाला है, वहां नित्य तादात्म्य बना बताना है। ऐसे यहां ये निमित्त नैमित्तिक की प्रक्रिया सिद्ध करके यहां ऐसा कहना चाहते हैं कि वर्ग स्पष्ट आदि भाव जितने हैं वो सब भूतार्थ तुझे क्यों दिखते हैं, संबंध देखो तो भूतार्थ दिखते हैं, और संबंध नहीं देखो तो वो सब अभूतार्थ है, तेरा नायक भाव अकेला भूतार्थ स्वभाव है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। वर्ग स्पष्ट पड़ा भूतार्थ है सत्यार्थ है तो भी पुद्गल से जरा भी स्पर्शावा योग ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर वर्ग स्पष्ट पड़ा अभूतार्थ है असत्यार्थ है, आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर लिखा है, आत्म स्वभाव की समीप जाकर, आत्म स्वभाव में जाकर नहीं, आत्म स्वभाव की समीप जाकर। क्या है कि वो कर्म की समीप है ना, इसलिए वहां से उसको उठा हटा के आत्म स्वभाव की समीप ले जाना है, इसलिए समीप शब्द डाला है। और समीप शब्द डालने का दूसरा भी प्रयोजन है कि वो पर्याय आत्म स्वभाव के हमेशा समीप ही रहती है, वो आत्म स्वभाव में कभी नहीं जाती, उसके समीप ही रहती है। गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं कि पर्याय के पीछे तेरा परमात्मा पड़ा है, पर्याय के पीछे तेरा त्रिकाली द्रव्य पड़ा है, पर्याय के पीछे तेरी शाश्वतता पड़ी है, तो उसको देख ले। तो पर्याय के पीछे माने पर्याय उसकी समीप जाती है, उसके पास चली जाती है, पास चली जाती है तो वहां से हट जाती है। देखो ऐसा है, ये हटना, ये पास चले जाना, ये सब जो चीज है ना वो क्यों कही जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो क्या है देखो, एक ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय है, चारित्र की पर्याय है। अभी ज्ञान की पर्याय कहाँ रहती है, तो क्या ज्ञान की पर्याय में रहती है, तो क्या ज्ञान की पर्याय ने पर का लक्ष्य किया, ऐसा है ना, यहाँ लिखा है ना कि बहुत स्पष्ट आदि भाव भूतार्थ है, अभी उसने लक्ष्य वहां किया, ऐसा है। फिर कहते हैं कि लक्ष्य द्रव्य पर किया, ऐसा किया, दो बात आती है। अभी प्रकाश भाई ने भी लिया था लक्ष्य की बात, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, तो पर्याय वहां जाके लक्ष्य करती है, पर्याय द्रव्य तरफ जाके लक्ष्य करती है, भैया ऐसा कुछ नहीं होता वहां, कोई पर्याय अपना नियत क्षेत्र कभी पहले तो छोड़ती ही नहीं, वो अपने क्षेत्र में जहां रहती है वहां ही रहती है, वहां से खिसकती नहीं कभी, ना तो इस तरफ जाती है ना तो इस तरफ जाती है, वो पर्याय अपनी सत्ता में ही बसती है हमेशा, वो कभी कहीं जा ही नहीं सकती, क्यों नहीं जा सकती, वो
उसका जीवन ही एक समय का है। इसलिए वो वहां जो जीवन में वो उत्पाद रूप होती है उधर ही वो रहती है, दूसरे समय उधर ही रहती है, तीसरे समय उधर ही रहती है, वो कहीं जाती ही नहीं, उधर न उधर रहती है। अभी उसके ज्ञान में जो भी भाव चल रहे हैं, जो भी भाव चल रहे हैं, अभी विकल्प का भाव चल रहा है, तो उसको बोला जाता है कि ये ज्ञान ने राग का लक्ष्य कर दिया। अभी वो ज्ञान में ज्ञायक का भाव चल रहा है, तो उसको बोला जाता है ये ज्ञान ने ज्ञायक का लक्ष्य कर लिया। इसको बोलते हैं लक्ष्य। लक्ष्य माने उसको कहीं देखना नहीं पड़ता, लक्ष्य माने उसको ऐसे भी कहीं देखना नहीं पड़ता, उसको जाना भी नहीं पड़ता, वो तो अपने स्वभाव में स्थित रह के ही उसकी विचार दशा जो ज्ञान की चलती है, वो विचार में जो ज्ञायक का विचार, वो विचार भी विकल्प रूप भी होता है और विचार ज्ञान रूप भी होता है। जब तक विकल्प की उपाधियां विचार में लगती है तब वो विचार का नाम विकल्प पड़ जाता है, और जब वो विचार में ज्ञायक भाव की सत्ता की चर्चा चलती है, ज्ञायक भाव चलता है, तो विचार वो वास्तविक ज्ञान बन जाता है। इस तरीके से वो ज्ञान में एक ही समय में स्वतरफ या परतरफ माने उसका जो भाव चल रहा है उस समय में, उसके ऊपर उसकी अज्ञान या तो सम्यक ज्ञान की स्थिति का मापदंड है। वो कहीं जाती नहीं पर्याय, द्रव्य भी कहीं नहीं जाता, उत्पाद वाली पर्याय भी कहीं नहीं जाती, संयोग में राग है वो भी कहीं नहीं जाता, कर्म है वो भी कहीं नहीं जाता, सब अपनी अपनी सत्ता में अपनी अपनी सत्ता को एकदम संभाले हुए बैठते हैं, एकदम संभल के बैठते हैं। अभी ये यहां बैठा बैठा विचार जो करता है ज्ञान में है, तो जिस संबंधी का विचार चलता है ऐसा वो पर्याय का नाम पड़ जाता है। अभी आया ने उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम दिया। जो उसको नाम कैसे दिया, कि वो नाम उसका कैसे पड़ा, कि उसकी विचारधारा, उसका अभिप्राय, उसकी दृष्टि, उसका विश्वास, उसका ज्ञान का परिणाम, वो कैसे चल रहा है अभी, उसके ऊपर वो उसका नाम पड़ जाता है कि ये विद्या ज्ञान है, कि ये सम्यक ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है, कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ तो पहले ही छोड़ देना, क्योंकि वो फिर सकती ही नहीं किसी से, कोई से नहीं फिर सकती, वो तो वहां वहां रहती है। वो पर्याय में तेरा भाव क्या चल रहा है, वो भाव परिवर्तन प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, उसके ऊपर पूरा आधार रहता है आत्मा की प्राप्ति का। भाव परिणमन बोलो, भाव परिवर्तन बोलो, उसके ऊपर पूरा आधार रहता है। बहुत से विकल्प चलते हैं, यहां बैठे बैठे भी कितनी प्रकार के विकल्प चलने लगते हैं, चलता है स्वाध्याय, बहुत प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं, तो वो विकल्प चलते रहते हैं। ज्ञान में ज्ञानात्मक विकल्प चला, तो वो ज्ञानात्मक विकल्प चला, वो राग का विकल्प चला, तो चारित्रात्मक विकल्प राग का था, उसका ज्ञान में जो विचार चला, तो वो ज्ञान में भी ज्ञानात्मक विकल्प खड़ा हो गया। ऐसी चर्चाएं है ये सब। इसलिए यहां कहते हैं कि समीप जाकर, आत्म स्वभाव की समीप जाकर, उससे एक में होकर नहीं, समीप जाकर, समीप जाकर माने वहां ने वहां रह के ज्ञायक भाव का, आत्मा का विचार कर। विचार में आत्मा नहीं है, आत्मा तो विचार करता है, विचार करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते जब वो आत्मा का विचार रूपी विकल्प छूटता है तब तो अनुभूति की सत्ता प्रकट होती है। ऐसे इसलिए कहते हैं कि आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बल स्पष्ट पड़ा तो अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। अभी कहते हैं जैसे माटी का कमंडल अभी दूसरा बुलाता है, अन्य अन्य वाला और अनन्य वाला, अन्य अन्य बल स्पष्ट आदि में भाव में जाता है, अनन्य भाव अबल स्पष्ट आदि में भाव में जाता है। अनन्य माने कि अपने अनंत गुणों से अनन्य आत्मा रहता है, तो वो द्रव्य भाव में जाता है,
और अन्य अन्य गति में आत्मा दिखता है अभी, तो वत्स स्पष्ट आदि भाव पर्याय भाव में जाता है। मनुष्य देव तिर्यंच नारक गति जो अभी माने कि अभी मनुष्य गति चल रही है, मगर अंदर में योग्यता रूप उदय तो सभी गति का होता है। मगर जो गति अभी विपाक रूप आके अभी दिखती है तो उससे मनुष्य बना बोला जाता है। वो मनुष्य बना या आकार या मनुष्य बना नहीं है, अंदर में एक योग्यता है मनुष्य बने की, उसको मनुष्य को बोला जाता है। तो यहां कहते हैं कि ये चारों गति है वो अन्य अन्य गति बद स्पष्ट भाव है, और ये अपना अवध स्पष्ट भाव है वो तो अनन्य माने अपने से ही अनन्य, अपने गुणों में अनन्य, अपने असंख्य प्रदेश में अनन्य, अपने क्षेत्र में ही वो रहता है। अपने क्षेत्र छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के वो अनन्य पड़ा कहीं जाता नहीं, और जो परता क्षेत्र है माने कि उसमें गतियां दिखती है। तो ये तो द्रव्य पर्याय की ही चर्चा है। परता क्षेत्र माने दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, उसको पर क्षेत्र बोला, पर्याय का क्षेत्र को पर क्षेत्र बोला यहाँ। और वो पर्याय का क्षेत्र में माने कि उसकी व्यंजन पर्याय में जो मनुष्य को रूप आकार चल रहा है, वो आकार का अर्थ क्या होता है? आकार माने स्वरूप, याद रखना बड़ा, ये क्रियाकार अवस्था में भी आपको बहुत उपयोगी होगा। आकार का अर्थ क्या है? कोई आकार नहीं बनता यहां, बाहर का जो आकार होता है ऐसा ही ज्ञान में स्वरूप रचना हो जाती है, उसको बोला जाता है आकार। तो ऐसा मनुष्य का आकार, देव का आकार, तिर्यंच का आकार, नारक का आकार, ये अन्य अन्य बना है, ये व्यंजन पर्याय है सब। आत्मा में दो प्रकार की पर्याय है, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय होती है वो गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय बोली जाती है, और ये सब पर्याय है आकार रूप वो उसको बोला जाता है व्यंजन पर्याय। तो ये व्यंजन पर्याय की चर्चा है। जैसे माटी का कमंडल, घड़ा, झाड़ी, रामपात्र आदि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यपणा भूतार्थ है। माटी में से जो बर्तन बनते हैं ना, तो उसमें जितने जितने बर्तन बन गए तो वो माटी के बर्तन है। वो बर्तन को आप देखो तो वो बर्तन को देखने से ऐसा घाट माटी का हुआ है, एकदम नहीं ही हुआ है ऐसा नहीं है। वो घाट क्यों बताते हैं? क्योंकि अभी घाट की अस्थि वहां है, इसलिए घाट की पहले सीधी कर रहे हैं, अभी उसकी स्थापना करके अभी उसको उत्थापना कर देंगे। मगर पहले स्थापना करके उत्थापना करना ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन में कोई चीज को ऐसे ही निषेध नहीं किया जाता, वो उसकी पहले स्थापना करो कि पर्याय है। इसलिए क्या होगा कि सबको ऐसा ख्याल में भी आवे कि नहीं ये पर्याय की तो बात बराबर है, पर्याय तो है, चलती है, मगर पर्याय है वो मेरे में नहीं है, तो वो उत्थापना हो गई उसकी, है भी सही और मेरे में है भी नहीं, तो उसको बोले जाता है अनेकांत। और वो अनेकांत सम्यक एकांत पूर्वक होता है। जिसको सम्यक एकांत होता है उसको ही सम्यक अनेकांत का जन्म नियम से होता है। तो यहां क्या कहते हैं, जैसे माटी का कमंडल, घड़ा, झारी, रामपात्र आदि सब पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से जरा भी भेद रूप नहीं होता हुआ एक माटी का स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ऐसे ही आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों का बीजा बीजापना रूप अन्यपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से जरा भी भेद रूप नहीं होता हुआ ऐसा एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा बोले। देखो यहां ऐसा लिखा है कि माटी के बर्तन को पहले सिद्ध करते हैं, बद स्पष्टपना को सिद्ध किया, फिर माटी को किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि तो भी सर्वतः अस्खलित माने कि माटी स्खलित नहीं हुई बर्तन में, स्खलित हुई नहीं माटी, ये पहली बात। एक बात, माटी माटी रूप रहती है, तुझे बर्तन दिखता है ना,
वो बर्तन बर्तन है कि वो माटी है, कितना सिद्ध करना है यहां, सिद्ध ये करना है। तू बर्तन देखता है माने कि वो वासन गुजराती है, तू उसको देखता है मगर वो बना क्या किसका है, वो मटेरियल किसका है, उस पर प्रसर क्या रहा है, ये कह रहे हैं यहां। सर्वथा स्खलित, माटी माटी से बिल्कुल स्खलित होती नहीं कभी, चाहे कोई भी बर्तन बन जाए मगर माटी माटी पर नहीं छोड़ती। ऐसे इनायत भाव कितनी भी पर्याय हो जाए, मनुष्य देव कीर्तनारक की पर्याय हो जाए और पर्याय भी कितनी भी हो जाए, मगर अपना अग्नायक भाव अपना चैतन्य आकार नहीं छोड़ता। चैतन्य आकार ज्ञान का आकार वो कभी छोड़ता ही नहीं। वो देखो ये इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये और ये तीसरा बोल बहुत महत्वपूर्ण है, इतना बढ़िया है, इसमें गुरुदेव ने भी बहुत खोला है। देखो इसमें कहना क्या चाहते हैं कि अस्खलित, अस्खलित का मतलब ऐसा है कि कोई भी अंश अपना त्रिकाली द्रव्य का, अपना त्रिकाली द्रव्य का कोई भी अंश वो स्खलित होकर पर्याय में नहीं आता। एक बात, अगर वो स्खलित होकर पर्याय में आ जाए वहां से अंश कोई भी, तो वो अधूरा हो जाए, तो वो दृष्टि का विषय संपूर्ण है, वो बचे ही नहीं। एक बात ये है। अभी दूसरी बात ये भी आती है, दूसरी बात ये भी आती है कि भाई देखो ये आत्म स्वभाव जो त्रिकाल है, अभी गुरुदेव ने इसमें बहुत लिया है ये प्रकरण, तो वो पर्याय तो उसमें से आती है, ऐसा भी कहा जाता है। दो प्रकार है, दोनों प्रकार अपने को कहना है, इसलिए लोगों को कोई विकल्प नहीं खड़ा हो जाता। एक अपेक्षा ये भी आती है कि पर्याय द्रव्य में से आती है, एक अपेक्षा ये भी आती है कि पर्याय द्रव्य में से आती है वो व्यवहार है। दोनों अपेक्षा है, दोनों गुरुदेव ने कही हुई है, दोनों अपेक्षा गुरुदेव कहते हैं। यहां क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि वो अस्खलित ही रहता है, स्खलित होता ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि द्रव्य जो त्रिकाल असंख्य प्रदेश ही है ना, ये क्षेत्र का बोल है, द्रव्य का बोल स्वद्रव्य पर द्रव्य में चला गया, ये बोल है अनन्य वाला, वो क्षेत्र का बोल है। तो क्षेत्र में स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र निकालना है, पर क्षेत्र में चारों गति निकाल दिया, स्व क्षेत्र में अपना अनन्य बना है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपने आप ये 19वीं बार में नहीं लिए गुरुदेव ने, 19वीं बार में भी लिया है थोड़ा, मगर 15वीं बार में बहुत अच्छी तरह से लिया है 15वीं बार के प्रवचन में। किसी को जिज्ञासा हो तो आप पर सुन लेना प्रवचन उसमें गुरुदेव का। तो ये असंख्य प्रदेश का बोल है, असंख्य प्रदेश आत्मा कैसा होता है, असंख्य प्रदेशी जो आत्मा है ना, वो असंख्य प्रदेश उसके एक साथ असंख्य प्रदेश रहते हैं, तो वो प्रदेश में से अनंत गुण एक एक प्रदेश में रहते हैं, वो गुण में से प्रत्येक समय में एक गुण की एक पर्याय का उत्पाद नियम से होता है, प्रत्येक समय में एक गुण की एक पर्याय का। अभी वो गुण जो जहां पड़ा है असंख्य प्रदेश में, अनंत गुणात्मक गुणी पड़ा है, वो अनंत गुणी में से ऐसे उत्पाद हुआ, उत्पाद जो क्षेत्र में से जो गुण की पर्याय का उत्पाद हुआ, उत्पाद होता है पूरा द्रव्य में से, मगर बोला जाता है गुण की पर्याय, पूरा द्रव्य में से उत्पाद होता है, बोला जाता है गुण की पर्याय, इसलिए एक एक गुण की एक एक पर्याय सिद्ध होती है, और एक एक गुण की एक एक पर्याय प्रति समय में उत्पाद होती है। यहां सिद्ध करना है ध्रुव स्वभाव, ऐसा मत सोचना कि ये ध्रुव स्वभाव में अब स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त में ये पर्याय का प्रकरण कहां से आ गया। भैया ये सब एक ही जगह पे रहता है, पर्याय इतनी ही दूर जाती है वहां से उसको द्रव्य दिखाई दे, उससे दूर वो जा ही नहीं सकती, इसलिए वो सब एक ही जगह पे रहते हैं, दूर नहीं चली जाती है, वही वही रहती है प्रथम रहती है वहां। तो ये जो असंख्य प्रदेशी पूरा आत्मा है, वहां अनंत गुण ऐसे पथरे हुए पड़े हैं, वो गुण में से एक एक गुण की एक एक पर्याय प्रति समय ऐसे उत्पाद होती है, तो उत्पाद जो पर्याय हुई, तो उत्पाद पर्याय होती है, तो वो गुण में से पर्याय उत्पाद हुई ऐसा कहा, तो गुण का कोई अंश है वो अंश वो पर्याय में आता है कि नहीं आता है, ये प्रश्न है। तो बिल्कुल गुण का अंश स्खलित नहीं होता, वो अस्खलित रहता है,
अगर एक समय भी गुण का अंश घरित हो जाए वहां से, तो वो द्रव्य नहीं रहता, वो द्रव्य अंश ही नहीं रहता, द्रव्य अंश हो जाएगा। इसलिए ये एक ही समय में उत्पाद हुआ, ये उत्पाद हुआ और ये व्यय हुआ दूसरे समय, वो ऊपर 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 भी चलता रहता है। और द्रव्य अनंत गुणात्मा असंख्य प्रदेशी त्रिकाल निर्विकल्प वस्तु ऐसी न ऐसी ऐसी न ऐसी ऐसी न ऐसी निरंतर रहती है। उत्पाद व्यय चलते हुए भी द्रव्य को कोई आंच नहीं आती। कहा जाता है द्रव्य में से ही उत्पाद है, कहा जाता है द्रव्य की ही पर्याय है, कहा जाता है द्रव्य में ही पर्याय विलीन होती है। ये सब बहुत आती है बात, आता है ना गुरुदेव ने लिया है अव्यक्त के बोल में तीसरा बोल, अभी आपके यहाँ दीपावली पे चला था, मुझे को बता रहा थे कोई, चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्ति अंतर निमग्न है, क्योंकि वो सत है, सत का कभी नाश नहीं होता, सत का व्यय होता है, उत्पाद का व्यय होता है, उत्पाद का नाश नहीं होता, उत्पाद का जो परिणाम होता है, देखो नाश में और व्यय में फर्क है, नाश और व्यय उसमें अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है। उत्पाद होता है उसका नियम से व्यय होता है, और उत्पाद में जो भाव चलते हैं शुद्ध के अशुद्ध उसका नाश होता है। उत्पाद दूसरे समय व्यय होकर चला जाता है, और उत्पाद में जो क्रिया होती है शुद्धता की अशुद्धता की वो समय बनती है, वो कर्म सापेक्ष है, वो नाशवान है। उत्पाद तो स्वभाव है पर्याय का, व्यय तो स्वभाव है, वो कभी स्वभाव नाश नहीं होता पर्याय का। उत्पाद व्यय, उत्पाद की जितनी भी उपाधियां हैं, जितनी भी शुद्धता और अशुद्धता है, वो सब कर्म सापेक्ष है, वो कर्म सापेक्ष है, इसलिए वो शुद्धता अशुद्धता नाशवान है। और उत्पाद जो अंदर से आया, ऐसा कहा ना उत्पाद आया, उस द्रव्य को स्खलित करके नहीं आया उत्पाद, द्रव्य को अस्खलित रख के जो उत्पाद हुआ वही उत्पाद एक समय क्रिया करके दूसरे समय यही होकर अंदर चला जाता है। तो वो सत था इसलिए सत कायम रहता है, सत का नाश नहीं होता। प्रवचन सार में आया है, पढ़ लेना 111-12 दादा, उसमें है कि सत है वो कभी नाश नहीं होता, सत का कायम बना रहता है। माने कि वो प्रकट रूप हो, उत्पाद रूप हो या तो व्यय रूप हो, मगर वो कायम रहता है सत, इसलिए वो सत है। इसलिए ये अस्खलित स्वभाव है, वो अस्खलित स्वभाव कभी पर्याय में आके सलिक स्खलित आज तक नहीं हुआ और अनंत काल तक नहीं होने वाला, वो अस्खलित ही रहने वाला है। इसलिए वो अस्खलित स्वभाव ऐसा है कि मिट्टी के कितने भी बर्तन बन जाए मगर मिट्टी अपना मिट्टी पना छोड़ती नहीं, नायक में कितने भी पर्याय प्रकट हो जाए मगर नायक अपना नायक पना छोड़ता नहीं। ये सब उपाधियों को अपना स्वरूप मान के बैठा है, उपाधियां है ना, शुद्धता की भी उपाधि है, वो शुद्धता की उपाधि को अपना स्वरूप मान के बैठा है, वो उपाधि मेरी है ही नहीं, मेरा तो पर्याय का स्वभाव देखो तो भी उत्पादी है, मेरा द्रव्य का स्वभाव देखो तो भी ध्रुव है, बस शुद्धता और अशुद्धता है। वो तो सचमुच में आत्मा में कोई शुद्ध नाम का गुण है? आप मेरे को बोलो, बताओ। 47 शक्तियां की गुरुदेव ने भी बहुत से बोल निकाले, भैया वो शुद्धता है ना, वो क्यों कही जाती है आत्मा शुद्ध है? क्योंकि पर्याय में अशुद्धता है, इस अपेक्षा से द्रव्य को शुद्ध कहने में आता है। द्रव्य तो ज्ञानमय है, दर्शनमय है, चैतन्य सत्तामय है, वो शुद्धता और अशुद्धता दोनों उपाधियां है। मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं तो अवध स्पष्ट आत्मा, मैं तो अन्य अनन्य आत्मा, मैं तो नियत आत्मा, मैं तो अविशेष आत्मा, ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए द्रव्य कभी एक अंश में स्खलित होके बिल्कुल आता नहीं, और जो स्खलित वाली पर्याय है वही पर्याय द्रव्य को अस्खलित जानती है। ऐसा लगता है ना कि वो अस्खलित में से स्खलित आया,
मगर वो स्खलित वाली पर्याय है, वही पर्याय ऐसा माने कि मानने और जानने लगती है कि मैं तो अस्खलित हूं, मैं तो अस्खलित द्रव्य हूं। ऐसे ही वो अस्खलित स्वभाव के समीप जाके मैं तो अस्खलित हूं ऐसा अहम कर लेती है। उसको बोला जाता है कि ये अनन्यपना उसने प्रकट कर दिया, ऐसा ये बोल है। ये मिट्टी का बर्तन, अभी मिट्टी का बर्तन में आप बर्तन को देखोगे तो वो तो आकार हो गया, ये आकार मनुष्य देव तिरिंच नारक वो आकार हो गया, वो बर्तन है ना वो उसमें आकार है, वो मिट्टी है ही नहीं। वो आकार को आप छोड़ो, आकार की दृष्टि छोड़ो और वहां ही देखो, बर्तन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बर्तन को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है कि पर्याय निकाल दो पहले द्रव्य में से फिर द्रव्य देखूंगा, ऐसा स्वरूप ही नहीं होता। पर्याय को सामने रख के विचार करो कि ये पर्याय है वो मटेरियल किसका है, इसमें प्रसरा हुआ क्या है, ये बर्तन में क्या प्रसरता है, क्योंकि इसमें तो मिट्टी ही प्रसर रही है। आत्मा की ज्ञान की पर्याय है वो कहां से आई है, तो कि स्वभाव ज्ञान में है वहां से ही वो प्रकट होती है, तो कि मैं तो ज्ञान में ही हूं, बस यही द्रव्य पर्याय का खेल है। उसमें ऐसा कहे कि द्रव्य सर्वथा पर्याय सर्वथा भिन्न है, पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, उसमें यही कहना है। इसी इसका मतलब ये नहीं पर्याय कहीं चली जाती है और एकला द्रव्य रह जाता है, वही ही द्रव्य रहता है, उधर ही गुण रहता है, उधर ही पर्याय रहती है। क्या गुरुदेव का शब्द क्या आया, पर्याय दृष्टि छोड़ना, पर्याय छोड़ देना समझ आया, पर्याय दृष्टि छोड़ना, क्योंकि तो पर्याय दृष्टि छोड़ना वही तो पर्याय है कि पर्याय पर्याय दृष्टि छोड़ के मैं द्रव्य हूं ऐसी दृष्टि करती है, तो पर्याय पर्याय रह जाती है और द्रव्य की दृष्टि हो जाती है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। इसलिए इसमें कुछ बर्तन को तोड़ने फोड़ने का मार्ग नहीं है, पर्याय को कहीं भेजना नहीं है, पर्याय को उधर ही रखो, मगर वो पर्याय की दृष्टि छोड़ो, और वो पर्याय में अगर मिट्टी ही प्रसर रही है तो वो तो मिट्टी ही है, ऐसे आत्मा का आत्मा ही ज्ञान में प्रसर रहा है तो वो तो आत्मा ही है, ऐसा आत्मा की दृष्टि करने से अस्खलित स्वभाव दृष्टि में आ जाता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। प्रवचन सार में तो बहुत ऐसे बोल आते हैं, अभी देखो ये आटा है ना, आटा आटा की रोटी बन गई तो रोटी तो पर्याय हो गई, पर्याय हो गई, अभी उसमें पर्याय में मटेरियल कौन सा है भैया, तो कि वो तो आटा है, तो कि तुझे रोटी क्यों दिखती है, तुझे आटा क्यों नहीं दिखता, यही खेल है द्रव्य पर्याय का। बाकी जितनी भी चर्चा आती है ना उसमें ये केंद्र बिंदु में आ जाता है, तो विधि निषेध का विकल्प खत्म हो जाएगा, पर्याय मेरे में नहीं है वो भी निषेध का विकल्प है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भी विकल्प चले तो भी वो विधि का विकल्प है, ये विधि निषेध के विकल्प से पार मेरा चैतन्य तत्व है, ऐसा चैतन्य तत्व जब दृष्टि में आवे तो वो नियम से अस्खलित ही होता है। इसलिए यहां कहते हैं कि ऐसा चैतन्य आकार, चैतन्य आकार माने ज्ञानमय आकार, दर्शनमय आकार, सुखमय आकार, ऐसा चैतन्य आकार आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यपना अभूतार्थ है असत्यार्थ है, यानी कि मेरे लिए मेरा स्वभाव ही भूतार्थ है, बाकी जो भी पर्याय भेद है गुण के भेद है सब मेरे लिए अभूतार्थ है। अभूतार्थ क्यों है, क्योंकि मुझे वो दिखते ही नहीं। एक कलश आया है, उसमें कलश में प्रश्न पूछा कि पर्याय वस्तु है कि अवस्तु है, ऐसा प्रश्न उठाया, क्या कि पर्याय वस्तु है कि अवस्तु है, ऐसा प्रश्न आया कलश में। तो वो श्रोता तो जवाब देने में विचार करे कि अभी वस्तु बोलू तो भी तकलीफ, अवस्तु बोलू तो भी तकलीफ, तो क्या भैया मेरे को तो द्रव्य ही दिखता है, इसलिए मेरे लिए तो पर्याय तो क्या सब अवस्तु है, मेरे लिए गुण भेद भी अवस्तु है, मेरे लिए पर्याय भेद भी अवस्तु है, क्यों अवस्तु है, मुझे दिखता नहीं इसलिए, मुझे द्रव्य ही दिखता है, मुझे द्रव्य दिखता है वो पर्याय में दिखता है ऐसा भी नहीं है,
मैं द्रव्य हूं ऐसा ही मुझे दिखता है, तो क्रिया वस्तु हो गई, होने पर भी अवस्तु, क्योंकि मुझे दिखती नहीं इसलिए उसको अवस्तु कहा। ऐसा प्रकरण है यहां पे, द्रव्य पर्याय का वेदना होता है। देखो प्रमाण का द्रव्य में ही वेदनान होता है, बाकी बाहर में तो कुछ वेदना है ही नहीं। प्रमाण का द्रव्य में भी सुत्ता असुत्ता की उपाधि को छोड़ के वेदनान करना, सुत्ता असुत्ता की उपाधि भी सचमुच में प्रमाण का द्रव्य में भी नहीं आती, समझ लेना, सब कर्म सापेक्ष कर्म में चला गया। प्रमाण का द्रव्य में उत्पाद में और ध्रुव दो ही रहता है, उसमें मैं ध्रुव और उत्पाद ही नहीं, उसका नाम वेदनान है। ऐसा यहां कह रहे हैं कि तू तेरे ध्रुव स्वभाव को अस्खलित स्वभाव को देख। तीसरा बोल है, जैसे समुद्र में वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतपना अनिश्चितपना भूतार्थ है सत्यार्थ है, तो भी नित्य स्थिर ऐसा समुद्र स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतपना अभूतार्थ है असत्यार्थ है, इस रीति से आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतपना भूतार्थ है सत्यार्थ है, तो भी नित्य स्थिर ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतपना अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। देखो समुद्र तो सबने देखा होता है, समुद्र के पास जाके वेदना करें तो पता चल जाएगा क्या कहना चाहते हैं। देखो ये समुद्र है ना, उसमें प्रत्येक समय में लहरें उठती रहती है, लहरें उठती रहती है, और समुद्र उस समय जितनी भी लहरें उठे मोजा जितना भी उठे समुद्र ऐसा नैसा रहता है, समुद्र में कुछ नहीं होता। लहरें उठती है, लहरें अंदर ही समा जाती है, जल के तरंग जल में ही समा जाते हैं, वो एक समय में उत्पाद दूसरे समय व्यय फिर उत्पाद फिर व्यय, वो उसका माने कि लहरें चलने पर भी वृद्धि हानि से रहित जो समुद्र होता है वो तो समुद्र पानी 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 और पानी से भरा है। पानी की लहरें जो उठती है वो पानी की लहरें को यहाँ बद स्पष्ट आदि भाव में डाली है, और समुद्र है वो अबद स्पष्ट आदि भाव माने नियत भाव है, और जो लहर है वो अनियत भाव है। तो होती तो है समुद्र की लहरें, मगर वो समुद्र का तो पार्ट तो कहा जाए ना, समुद्र है अभी समुद्र की ही लहरें है तो समुद्र का एक पार्ट है इसलिए उसको लहर बोली जाती है समुद्र की। लिखा ना समुद्र में वृद्धि हानि रूप अवस्था है? तो वृद्धि हानि रूप अवस्था वो क्या है, वो मोजा उठा वो है लहर है, और समुद्र तो है वो लहरों का पिंड है लहरों से भरा हुआ है, तो वो लहरें उठी वो तो समुद्र का ही एक भाग हो गया ना एक अंश हो गया ना, तो क्या बिल्कुल उसका अंश नहीं है। जब तक तू समुद्र का अंश उसको मानेगा तब तक तुझे समुद्र नहीं दिखेगा, तेरी दृष्टि अंश पर है, समुद्र का भाग ही नहीं है वो, समुद्र का भाग तो समुद्र के गुण है। समुद्र में से जो लहर उठी पड़ी की वो समुद्र का सत्व है ही नहीं, वो त्रिकाल त्रिकाल में रहता है, क्षणिक सत्व है ही नहीं उसका। उसको समुद्र का भाग आप कहोगे तो समुद्र का भाग के ऊपर से आपकी दृष्टि नहीं उठेगी, यहां ये सिद्ध करना है। वो समुद्र का भाग है ही नहीं, समुद्र द्रव्य है और लहर है वो पर्याय है, मगर वो पर्याय है उसको आप ऐसे ही देखा करोगे कि ये समुद्र की लहर है, ये समुद्र की लहर है, समुद्र में से उठी है, माने कि तेरी पर्याय दृष्टि ही चल रही है, तुझे द्रव्य दिखता ही नहीं। समुद्र की लहरें बोलता है और समुद्र को नहीं देखता, और देखता है लहरों को, बोलता है समुद्र की लहरें, समुद्र को ही नहीं देखता, उसको ऐसा ही लगता है कि लहरे है ना वही समुद्र है। इसे वो कथन जी दबीन पना सुना होता है ना ज्ञान और नायक का, तो दृष्टि का विषय उसमें हाथ में नहीं आता, दृष्टि का विषय तो इतना सुरक्षित है कि उसमें कोई कथन चित लागू ही नहीं पड़ता, एकदम निर्लेप तत्व है, सर्वथा भिन्न है पर्याय से, है ही नहीं पर्याय उसमें, ऐसा दृष्टि का विषय है सुरक्षित, ऐसा समुद्र है, ऐसा अंदर एक समुद्र पड़ा है, यहां
चैतन्य समुद्र है, चैतन्य समुद्र है वो भी अस्खलित प्रवाह रूप चलता है अंदर। ऐसा एक समुद्र भरा पड़ा है समुद्र, नियम सार में बहुत बातें आई है ये समुद्र की, गुरुदेव ने भी ली है कई जगह पे ये बात। वो समुद्र कैसा है कि वो समुद्र की वास्तविकता तो उसके अंदर ही रहती है, वो बाहर जो मोजा उठा, बाहर जो लहरें उठी, वो समुद्र की है ही नहीं। तो के भैया समुद्र की वो लहरें नहीं है तो समुद्र की लहरें कौन सी है वो तो बताओ। तो के समुद्र की लहरें समुद्र में रहती है, समुद्र में से जो बाहर निकलती है उसको हम समुद्र की लहर नहीं कहते। तो के समुद्र की लहर कौन सी है, तो के जो समुद्र जैसी ही होती है ना स्थिर, उसको हम समुद्र की लहर कहते हैं। नित्य स्थिर शब्द आया है, देखो नित्य स्थिर, तो भी नित्य स्थिर, नित्य स्थिर ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर के अनुभव करने पर अनियत पुनः अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। ये अनियत पना है, समुद्र की लहर जो उठती है ना वो अनियत पना है, और नियतपना समुद्र का समुद्र में रहता है। तो समुद्र का नित्य स्थिरपना है, उसका मूल भी नित्य स्थिर होता है, और उसकी वास्तविक में देखो तो उसकी नित्य स्थिर कारण सूत्र पर्याय है। ये लहर उठती है वो उसकी पर्याय है ही नहीं, वो समुद्र का दृष्टांत के गुरुदेव ये सिद्ध करते हैं। ये 14वीं गाथा में भी आगे पीछे के प्रवचनों में गुरुदेव ने लिया है, इसलिए मैं लेता हूं, कोई कोई ऐसा नहीं हो कि ये बात यहां कहां से निकाल दिया आपने। ये गुरुदेव का प्रवचन आप सुनो, कोई भी गाथा आपको माने कि तैयार करनी हो ना, तो गुरुदेव का जितनी बार का प्रवचन है ना वो पहले सुन लो, 13वीं बार 15वीं बार 16वीं बार 17वीं बार 18वीं बार 19वीं बार, और बाद में एक्स्ट्रा प्रवचन भी बहुत हुए, सब सुन लो आप पहले, फिर गाथा उठाओ, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें गुरुदेव ने कितने कितने मर्म भरे हैं, ये गाथा में निकाले हैं मर्म, इसमें से कितने आचार्यों ने मर्म भर दिए और वो मर्म गुरुदेव ने कैसे निकाले। 15वीं बार में आया हो 19वीं बार में ना आ गए, 19वीं बार में आया हो 16वीं बार में भी ना आ गए, 16वीं बार में आया हो 13वीं बार में ना आ गए। ऐसा होता है ना कि ज्ञानी की परिणति जैसे चलती रहती है ना आगे वृद्धिगत, ऐसे इसमें से ज्यादा ज्यादा भाव निकलते रहते हैं, उसकी परिणति निरंतर वृद्धिगत होती चलती रहती है, वो वृद्धिगत परिणति में न्याय की सर्वाणी फूटती रहती है। वो न्याय की सर्वाणी फूटती है ना, उसमें से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक न्याय निकलते रहते हैं। ऐसे न्यायाधीश है अपने गुरुदेव, इतने न्याय निकालते हैं कि अपने को तो पता ही नहीं चले कि ये बात में ये शब्द में इतना मर्म भरा है। ऐसा कुछ गुरुदेव श्री खोल के अपने सामने रख देते हैं कि तू तो नित्य स्थिर समुद्र है भैया, ये लहरें तो अनित्य बना है, वो समुद्र का पार्ट है ही नहीं, तू कभी स्वप्न में भी नहीं मानना उसको समुद्र का पार्ट, क्योंकि समुद्र का पार्ट भी समुद्र में रहता है, उससे दूर हो जाए, उससे पृथक हो जाए, उसको समुद्र का पार्ट हम नहीं कहते। इसलिए आचार्य भगवान यहां कहते हैं कि नित्य स्थिर निश्चल ऐसे आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अनियत पना माने की लहरें अभूतार्थ है असत्यार्थ है, अभूतार्थ है माने कि वो द्रव्य भूतार्थ है उसमें नहीं है, असत्यार्थ है माने कि वो पर्याय है वो द्रव्य नहीं है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। ऐसे ही अपने तीन बोल हो गए, अभी चौथा और पांचवा बोल रह गया, अभी अपने पास दो स्वाध्याय है पूरा तो हो जाएगा। 14वीं गाथा इतनी अपूर्व है क्योंकि ये गुणस्थानातीत होने की गाथा है ना, 14वां गुणस्थान आके गुणस्थानातीत हो जाए इसी गाथा है, इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसको ऐसे ऐसे ही समझना कि द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान से ही समझना चाहिए कोई भी गाथा हो, कोई भी गाथा हो, और उसमें द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान में भी और भेद ज्ञान में भी सूक्ष्मता में चले जाना, भेद ज्ञान में पर्याय में उत्पाद ये ही रखना, सुत्ता असुत्ता को भूल जाना, याद ही नहीं करना कि मेरा अशुद्ध परिणाम हो रहा है कि मेरा शुद्ध परिणाम हो रहा है,
प्योर पर्याय दृष्टि है, याद मत करना। और तू उत्पाद में इससे भिन्न अपना द्रव्य को देखेगा तो शुद्धता के इतने ढेर लगेंगे, इतने ढगला हो जाएंगे कि उसको तू देखेगा ही नहीं। इतने ढेर हो जाएंगे यहां देखता रहेगा तो, और उसको देखेगा ही नहीं। उसका ज्ञान होगा फिर भी वो ज्ञान पे भी दृष्टि नहीं होगी, नायक पे ही दृष्टि छूटेगी नहीं, तब तक तो वो ढेर बढ़ेगा आगे आगे। ऐसी कोई ये मजेदार गाथा है, चैतन्य रस को पिलाने वाली, चैतन्य रस को चखाने वाली गाथा है। इस तरीके से इसको द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान इस तरीके से लेना तो ये अपने द्रव्य की दृष्टि हुए बिना रहती ही नहीं। पर्याय को कहीं भेज मत देना, क्योंकि पर्याय में ही द्रव्य रहता है, वो भी एक पर्याय में द्रव्य रहता है ऐसा भी कहना पड़ता है। द्रव्य तो द्रव्य में ही रहता है मगर अनुभव में पर्याय में आता है, इसलिए ऐसा कहने का व्यवहार भी होता है। ऐसा स्वरूप समझ कर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मतलब।